हेलो एंड वेलकम। ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। पोर्शन से इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के वो आपको लेक्चर्स के द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है, और जो सारी चीज़ें आपकी बच गई हैं कंसेप्चुअल पार्ट्स और कंपनी के टैगलाइंस, वो आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कई जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, तो आपके लिए सारी चीज़ों को एक जगह दिया गया है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक अच्छा सा रिविज़न कर सके और आप फुल में फुल मार्क्स गेन कर सके। इससे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, कई क्वेश्चंस आपके इसमें से आएंगे, तो एग्जाम से पहले इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप एक नंबर से कम स्कोर करते हैं तो इससे आप इसे देखने से आप फुल में फुल स्कोर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर एक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलना है और इस टेस्ट को बहुत ही सीरियसली देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज अ टैग लाइन इम्पॉसिबल इज नथिंग। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है इम्पॉसिबल इज नथिंग? इसका आंसर है एडिडास। तो एडिडास जो कंपनी है उसका ये टैगलाइन है इम्पॉसिबल इज नथिंग। हिंदी वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, आपके एग्जाम में हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि टैगलाइन जो है वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं होता है, वो कंपनी की खुद की एक टैगलाइन होती है जो इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बिग इन योर लाइफ। इसका आंसर है आदित्य बिरला ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन सबसे तेज। इसका आंसर है आज तक। तो आज तक जो न्यूज चैनल है उसकी ये टैगलाइन है सबसे तेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन एक्सप्लोर बियॉन्ड लिमिट्स। इसका आंसर है एसर। तो एसर जो कंपनी है उसकी टैगलाइन है एक्सप्लोर बियॉन्ड लिमिट्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन एक्सप्रेस योरसेल्फ। इसका आंसर है एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बेटर आइडियाज बेटर लाइफ। इसका आंसर है एमवे। तो एमवे कंपनी जो है बेटर आइडियाज एंड बेटर लाइफ उसका टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन थिंक डिफरेंट। इसका आंसर है एप्पल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन गो द डिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है गो द डिस्टेंस? इसका आंसर है अपोलो टायर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन इंजीनियरिंग योर टुमारो। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है इंजीनियरिंग योर टुमारो? इसका आंसर है अशोक लीलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक? इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका ये टैगलाइन है कि फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक? इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग? इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन
कुक फूड सर्व लव, खाना पकाइए प्यार बांटिए। इसका आंसर है भारत गैस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टैग लाइन वादा नहीं दावा, कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैग लाइन है वादा नहीं दावा। इसका आंसर है भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम का टैगलाइन है वादा नहीं दावा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैग लाइन कनेक्टिंग इंडिया, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है कनेक्टिंग इंडिया। इसका आंसर है BSNL। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैग लाइन द मैगजीन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है द मैगजीन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसका आंसर है बिजनेस इंडिया। तो बिजनेस इंडिया का ये टैगलाइन है द मैगजीन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन प्ले द गेम, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है प्ले द गेम। इसका आंसर है बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस वर्ल्ड जो कंपनी है उसका ये टैगलाइन है प्ले द गेम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन टुगेदर वी कैन, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। इसका आंसर है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का ये टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन डिलाइटिंग यू ऑलवेज, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है डिलाइटिंग यू ऑलवेज। इसका आंसर है कैनन। तो कैनन जो है वो कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि DSLR कैमरा बनाती है, तो उसका ये टैगलाइन है डिलाइटिंग योर ऑलवेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बी द फर्स्ट टू नो, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है बी द फर्स्ट टू नो। इसका आंसर है CNN। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बॉर्न टफ, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है बॉर्न टफ। इसका आंसर है सीएट टायर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन वी मूव द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है वी मूव द वर्ल्ड। इसका आंसर है DHL। तो ये जो है लॉजिस्टिक कंपनी है यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से डील करती है ये कंपनियां। तो ये जो DHL कंपनी है इसका टैगलाइन है वी मूव द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका आंसर है SR ग्रुप। तो SR ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसका जो टैगलाइन है वो है अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन द वर्ल्ड ऑन टाइम, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है द वर्ल्ड ऑन टाइम। इसका आंसर है FedEx। तो FedEx जो कंपनी है जिसका
एडवर्टीजमेंट आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, तो उस कंपनी का जो टैगलाइन है वर्ल्ड ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन मेड टू फील गुड। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है मेड टू फील गुड? इसका आंसर है गुड ईयर। तो ये भी टायर मेकिंग कंपनी है, तो इसका जो टैगलाइन है वो है मेड टू फील गुड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड? इसका आंसर है HDFC। तो HDFC बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, यानी कि बैंकिंग कंपनी है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें को डील करती है। तो इसके म्यूचुअल फंड्स भी हैं और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, डिविजन्स हैं। तो जो ये HDFC कंपनी है, इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन देयर इज अ हीरो इन एवरी वन ऑफ अस। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है देयर इज अ हीरो इन एवरी वन ऑफ अस? इसका आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प जो है ये मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसका जो टैगलाइन है देयर इज अ हीरो इन एवरी वन ऑफ अस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन पावर ऑफ ड्रीम्स, सपनों की ताकत। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है पावर ऑफ ड्रीम्स? इसका आंसर है होंडा। तो होंडा भी मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसका जो टैगलाइन है वो है पावर ऑफ ड्रीम्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया? इसका आंसर है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को जो है वो एल्युमिनियम फैक्ट्री है जहाँ पे एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इस कंपनी का जो टैगलाइन है वो वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टैगलाइन न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज? इसका आंसर है हुंडई। तो हुंडई जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सभी लोग जानते हैं, उनका जो टैगलाइन है वो न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन कीप री इन्वेंटिंग। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है कीप री इन्वेंटिंग? इसका आंसर है HP। तो HP पवेलियन आप लोग जानते हैं कि ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसका जो टैगलाइन है वो है कीप री इन्वेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन हम है ना। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है हम है ना? इसका आंसर है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जो है वो बैंकिंग कंपनी है, तो इसका टैगलाइन जो है वो है हम है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल? इसका आंसर है IDBI बैंक। IDBI भी बैंकिंग कंपनी है, तो उसका जो टैगलाइन है वो है बैंकिंग फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन मुस्कुराते रहो। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है मुस्कुराते रहो? इसका आंसर है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस करवाती है और भी मोटरसाइकिल इंश्योरेंस या जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, तो इसका जो टैगलाइन है वो है मुस्कुराते रहो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन आवर ग्राउंड वर्क टेक्स यू स्काई हाई। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है आवर ग्राउंड वर्क टेक्स यू स्काई हाई? इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्प। तो इंडियन ऑयल कॉर्प जो है वो
पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करती है और उसका रिफाइनिंग करती है। तो इसका जो टैगलाइन है वो है आवर ग्राउंड वर्क टेक्स यू स्काई हाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन पावर्ड बाय इंटेलेक्ट ड्राइवन बाय वैल्यूज। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है पावर्ड बाय इंटेलेक्ट ड्राइवन बाय वैल्यूज? इसका आंसर है इंफोसिस टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पावर्ड बाय इंटेलेक्ट ड्राइवन बाय वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन द जॉय ऑफ फ्लाइंग। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है द जॉय ऑफ फ्लाइंग? इसका आंसर है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज जो है एयरलाइंस कंपनी है, इस कंपनी का टैगलाइन है जॉय ऑफ फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन लिव यंग लिव फ्री। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है लिव यंग लिव फ्री? इसका आंसर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है वो महिंद्रा कंपनी है जो कि अपने अपने नए नए मॉडल्स को लॉन्च करती है, जैसे बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, XUV700, XUV500। तो जो महिंद्रा स्कॉर्पियो बनाती है उसका ये टैगलाइन है लिव यंग लिव फ्री। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अ टैगलाइन चेंज योर लाइफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है चेंज योर लाइफ? इसका आंसर है मारुति 800। तो मारुति 800 जो है वो मारुति सुजुकी कंपनी है जो कि कार्स बनाती है। तो ये कार है मारुति 800 जिसका टैगलाइन है चेंज योर लाइफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अ टैगलाइन द बेस्ट ऑफ नथिंग। निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है द बेस्ट ऑफ नथिंग? इसका आंसर है मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज बेंज जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मर्सिडीज बनाती है। तो इसका जो टैगलाइन है वो द बेस्ट ऑफ नथिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अ टैगलाइन बी व्हाट्स नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है बी व्हाट्स नेक्स्ट? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसका जो टैगलाइन है वो है बी व्हाट्स नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अ टैगलाइन वर्ल्ड्स बिजनेस न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है वर्ल्ड्स बिजनेस न्यूज़पेपर? इसका आंसर था फाइनेंशियल टाइम्स। तो फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, तो इसका जो टैगलाइन है वो है वर्ल्ड्स बिजनेस न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अ टैगलाइन एक्सपीरियंस ट्रूथ फर्स्ट। कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है एक्सपीरियंस ट्रूथ फर्स्ट? इसका आंसर है NDTV 24/7। तो NDTV 24/7 एक न्यूज़ चैनल है जो सभी भी बच्चे देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं। तो इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस ट्रूथ फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अ टैगलाइन इनोवेशन दैट एक्साइट्स। निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन है इनोवेशन दैट एक्साइट्स? इसका आंसर है निसान मोटर्स। तो निसान मोटर्स जो है वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका टैगलाइन है इनोवेशन दैट एक्साइट्स। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनी है? इसका आंसर है मेंबर नेशन, सदस्य राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइंड बाय। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? इसका आंसर है रैग्नर फ्रिश्चो। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड्स वाज फर्स्टली यूज्ड बाय। माइक्रो और मैक्रो शब्दों का उपयोग या प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है रैग्नर फ्रिश। अगला क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है। इसका आंसर है पॉलिटिकल रेन, राजनीतिक शासनकाल। तो जो राजनीतिक पॉलिटिकल रेन है या राजनीतिक शासनकाल है, ये जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र दिया गया था उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, अमर्त्य सेन को उनके योगदान के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसके लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन और विकास के कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो है वो एचआरडी में इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स, राष्ट्रीय आय में शामिल है। इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, एक नए घर का निर्माण। तो नेशनल इनकम में ये भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ नेट इन नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अन्य नाम है। इसका आंसर है नेशनल इनकम। तो जो भी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है यानी कि मार्केट प्राइस, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज, भारतीय निर्यात में तेजी से विस्तार करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। इसका आंसर है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो जो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है ये बहुत ही मेन फैक्टर है ताकि जल्दी से हम अपने इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको तेज़ी से बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन है, इनकम एंड कंजप्शंस आर, आय और खपत है। इसका आंसर है डायरेक्टली रिलेटेड, सीधा संबंध। तो इनकम और कंजप्शन का दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में एक आर्थिक गतिविधि का गठन नहीं करेगा। इसका आंसर है अ टीचर टीचिंग हिज ऑन डॉटर एट होम, घर पर अपनी ही बेटी को पढ़ाते शिक्षक। तो अगर कोई टीचर घर में ही अपनी बेटी को पढ़ाता है तो वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक्स के आधार पे वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो कि इकोनॉमी में एडअप हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट मेथड। तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, तो ये नेशनल इनकम के नापने का मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज ऑर्गेनाइज्ड, वित्त आयोग का आयोजन। इसका आंसर है आफ्टर एवरी फाइव ईयर, तो हर एक पांच साल में फाइनेंस कमीशन ऑर्गेनाइज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम, भारतीय की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर, सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा कृषि और उद्योग को मिलाकर अधिक है। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के बारे में कौन सा प्राधिकरण निर्णय लेता है। इसका आंसर है फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर प्रकृति द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर है रिग्रेसिव, प्रतिगामी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है बाय नेचर रिग्रेसिव कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, कराधान एक उपकरण है। इसका आंसर है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, हुज सिग्नेचर इज डन ऑन 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल मनी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन, दशमलव मुद्रा प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी। इसका आंसर है 1957। तो 1957 में डेसिमल मनी सिस्टम का स्टार्टअप हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक दर ब्याज की दर है। इसका आंसर है एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द टूल्स ऑफ, नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार संचालन किसके उपकरण हैं। इसका आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट का टूल है, यानी कि दोनों जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन ई बैंकिंग ई स्टैंड्स फॉर, ई बैंकिंग में ई का अर्थ है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ थ्री ईयर इज सेड एज अ प्लानिंग हॉलीडे फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए किस 3 वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है। इसका आंसर है 1966 से 1969, तो 1966 से 69 के बीच में प्लानिंग हॉलीडे कंसिडर किया गया है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है, प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर, प्लान हॉलीडे के बाद घोषित किया गया था। इसका आंसर है 3rd 5-year plan। तो जब प्लान हॉलीडे खत्म हो गया था, प्लानिंग हॉलीडे, उसके बाद 3rd 5-year plan आया था। अगला क्वेश्चन है, द स्लोगन पॉवर्टी एलिविएशन वाज एडेड टू विच 5-year plan, गरीबी उपशमन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। इसका आंसर है 5th। तो जो 5th 5-year plan था उसमें स्लोगन कहा गया था पॉवर्टी एलिवेशन, तो उसमें ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच 5-year plan ड्यूरेशन वाज ओनली 4 ईयर, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी। तो ये 5-year plan है, तो 5 साल ड्यूरेशन होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 4 वर्ष था। इसका आंसर है 5th, यानी कि 5th 5-year plan जो था उसका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर था, यानी कि सिर्फ 4 साल चला था, उसके बाद नेक्स्ट प्लान आ गया था। अगला क्वेश्चन है, विच 5-year plan हैज बेस्ड अपॉन महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका आंसर है 2nd। तो जो 2nd year 5-year plan बनाया गया था वो महालनोबिस मॉडल के आधार पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है, सी वाटर फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज, अर्थशास्त्र में समुद्री जल, ताज़ा वायु आदि को माना जाता है। इसका आंसर है फ्री गुड्स, मुफ्त चीज़ें, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये फ्री में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, द शेयर ब्रोकर हु सेल्स शेयर्स इन एप्रीहेंशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड,
शेयरों की गिरती कीमतों की आशंका में शेयर बेचने वाले शेयर ब्रोकर को कहा जाता है। इसका आंसर है बियर। तो जो शेयर होल्डर्स या शेयर ब्रोकर शेयर को बेच देते हैं इस वजह से कि शेयर गिरने वाला है, जब वो देखते हैं कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो ये वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा भी शेयर कहीं गिर ना जाए, इस कारण वो बेच देते हैं। तो ऐसे जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं उसको बियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है टू मेक मेड इन इंडिया अ लेबल ऑफ क्वालिटी, मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का लेबल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस? पोर्टर के फाइव फोर्सेस एनालिसिस में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर है लॉ ऑफ सप्लाई। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो पोर्टर्स फाइव फोर्स एनालिसिस में शामिल नहीं है, इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हेल्प्स टू एनालाइज माइक्रो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल किसी कंपनी के माइक्रो बाहरी वातावरण का विश्लेषण करने में मदद करता है? इसका आंसर है पेस्टल एनालिसिस, मूसल विश्लेषण। तो जो पैसा एनालिसिस है वो हमें ये हेल्प करता है कि जो भी कंपनी के माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं उसको हम लोग एनालाइज कर पाएँ अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हेल्प्स टू एनालाइज माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल किसी कंपनी के सूक्ष्म बाहरी वातावरण का विश्लेषण करने में मदद करता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था और यहाँ पे माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इसका आंसर है पोस्टर्स फाइव फोर्स एनालिसिस, पोस्टर का पांच बल विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग, मार्केटिंग बिक्री से अलग है? इसका आंसर है इट फोकसेस ऑन वैल्यू। तो जो भी मार्केटिंग हम लोग करते हैं तो वो वैल्यू पे आधार है, केंद्रित है, इसीलिए मार्केटिंग जो है वो सेलिंग से डिफरेंट है। सेलिंग जो है वो प्रॉफिट पे फोकस करता है, मार्केटिंग जो है वो वैल्यू पे फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप मार्केटिंग एज, आला मार्केटिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग से किस रूप में अलग है? इसका आंसर है इट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप या विशिष्ट लक्ष्य समूह पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रमोशन? निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का प्रभावी तरीका है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करने के लिए जो मेथड लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट, वर्ड ऑफ माउथ, होर्डिंग लगाया जाता है, बैनर्स लगाए जाते हैं, तो ये सारे इफेक्टिव मेथड हैं उस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वॉट एनालिसिस इज गिवन बाय विच बिजनेस स्कूल? स्वॉट विश्लेषण किस बिजनेस स्कूल द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, उन्हीं के द्वारा स्वॉट एनालिसिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स हैज अ लोवेस्ट इनकम? बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के निम्नलिखित में से किस खंड की आय सबसे कम है? इसका आंसर है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इक्विवेलेंट टू कैश काउज ऑफ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स? उत्पाद जीवन चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा खंड बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की नगद गायों के बराबर है? इसका आंसर है मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। तो जो मैच्योरिटी है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बराबर है, जो जिसे हम लोग कैश काउ ऑफ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मॉडल इज यूज बाई आईटी सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य निर्धारण मॉडल आईटी क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आउटकम बेस्ड, यानी कि जो आईटी सेक्टर्स हैं जो प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल करते हैं वो आउटकम पे आधार होता है, यानी कि जो भी वो इनपुट खर्च कर रहे होते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो जो प्राइसिंग मॉडल बनाते हैं वो आउटकम पे बेस्ड होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे पीडीएफ को फॉलो कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।